सो व्हाट्स अप लवली पीपल, की हाल चाल, होप सारे बढ़िया होंगे। सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर ट्रैवलिंग व्लॉग। सो इस समय 2 बज चुके हैं, मतलब 4 तारीख है, सवेर के 2 बज चुके हैं। नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम रोपड़ एंड गोइंग टू वृंदावन। यस, तुसी सही सुनिया, असी जा रहे वृंदावन अपने अमित भाजी नाल, तुसी देख सकते हो। हाँ जी इधर जी, अपने कनी एक माहौल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो सानू फोन दी टॉर्च यूज करनी पै रही, बिकॉज दुनिया सो रही है ते असी उठे हुए, हुण असी जा रहे ट्रैवल कर रहे हैं। एज यू नो कि हाले करफ्यू लग्या हुआ, सो सानू है कि असी रात रात ट्रैवल करके अपना कवर कर लिए। टाइम दस रहे कि इतों 8 घंटे का रस्ता है, बट चले हैं। सो टाइम अभी 4:30 हो चुके हैं, 2:20 पे निकले थे, अभी हम पहुंच चुके हैं सोनीपत। वीडियो चेक कर लिया अपना, 200 किलोमीटर नियर अबाउट, 250 हो गया, 250 किलोमीटर। और अभी थोड़ा चाय पीने का मन हुआ, 4:30 बज गए हैं, मैं कहा चलो नहीं मेरी घड़ी पीछे है थोड़ी। 4:30 बज गए, टाइम तो इतना गई होया, 4:30 हो गए। टी टाइम गड्डी चलानी है, सौखी गल थोड़ा। एक एक पीस लो अपना इमानदारी नाल, हेरा फेरी किसी ने नहीं करनी। फाइनली वी रीच्ड वृंदावन। सवेरे 2:20 से तुरे से, हूँ हो गया टाइम 9:14। सो सानू अप्रॉक्स 7 घंटे लगे हैं। सो पहुँच चुके हैं वृंदावन। सो नाउ वी आर गोइंग टू बांके बिहारी मंदिर। अमित भाजी नाल है, हैरित भाजी साडे नाल है। राधे 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 कर दो, जय श्री राधे। सो बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, राती 2:30 बजे असी ड्राइविंग शुरू की सी, इतने 9:30 बजे पहुँच गए, असी घंटा रेस्ट किया। सो हूँ असी चले हैं क्योंकि 12 बजे हो जाने मंदिर बंद। सो जिन्ना हो सके तुम जरूर दिखाऊंगे वीडियो भी, सो स्टे ट्यून। आप वृंदावन आए और कचौरी ना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो मैंने लास्ट टाइम खाई थी उदयपुर में, बट सीरियसली बोलूं इस बार इतनी अच्छी लग रही है ये, इसका टेस्ट माय गॉड। इसके साथ लस्सी भी है और कुछ हमारे अमित भाई ने मंगवाया है इसके साथ सोडा केला। सो नाउ वी आर एंजॉयिंग द मील। सुबह से गाड़ी चला रहे हैं और अब जाके टाइम मिला कुछ अच्छा खाने का। दर्शन कर आए, हैरित ने बहुत तंग किया, बस करवाती, ये चक्कर लड़ाई भी होगी उत्ते, क्यों बेटे हैं
बट नाउ ही इज हैप्पी। इन्हें भी बड़ा गा पाया चकरे बटे विभिन्न विभिन्न प्रकार की कुछ सीक्रेट चीजें थी। 6 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं तटीय स्थान पर। सो 2 बजे हम सो गए थे, 5 बजे हम उठे हैं। सो 3 घंटे की रेस्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो गया। क्या कहते हैं जी? बिल्कुल। सो चावल खुद बनाए, चावल खाए, थोड़ा हल्का फुल्का घर का खुद बनाया खाया। सो बाहर जाके मीठा महकमा ऐसा है कि बाहर तो आपको प्रॉपर ऑयली सारा मिलेगा, बट घर पे जो आप हल्का फुल्का बना सकते हो। सो श्री हरि जय जय कुंज बिहारी, श्री हरिदास जय जय कुंज बिहारी, श्री हरिदास हो प्यारो कुंज बिहारी, श्री बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो ना। कि वृंदावन के जैसा कोई वन नहीं है और नंदगांव के जैसा कोई गांव नहीं, ये बंसी बट है। इस पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान नित्य बंसी बजाते हैं। आज भी भगवान बंसी बजाते हैं, आज भी भक्तों को भगवान की बंसी सुनाई देती है। आश्विन मास की पूर्णिमा जो आती है जिसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात में प्रभु ने यहाँ ऐसी मधुर बंसी बजाई, बंसी को सुन के सब गोपी यहाँ पे आ गए। सभी गोपियों की इच्छा हुई कि भगवान तो नित्य राधा रानी के संग रास की लीला करते हैं, ऐसी कृपा हम पे भी हो प्रभु कि आज आप हमारे संग महारास की लीला करें। तो भगवान ने यहाँ योग माया का आश्रय किया, जितनी गोपी हैं अपने उतने ही रूप बनाते, एक गोपी है कृष्ण, एक गोपी है कृष्ण। ऐसे ही भगवान ने इसी जगह पर महारास की लीला की। इसका दर्शन करने के लिए उस बंसी को सुन के भगवान शंकर यहाँ पे आ गए। भगवान शंकर को नहीं आने दिया, कोई पुरुष नहीं आ सकता। भगवान शंकर ने यमुना जी की प्रार्थना की, यमुना जी प्रकट हुई, भगवान शंकर को गोपी बना दिया। इस जगह पे भगवान शंकर गोपी बन करके आए। गोपी बन के आए तो कोई नहीं जान पाया, राधा जी भी नहीं पहचान पाए। भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान लिया, बोले आइए गोपीश्वर, तभी से नाम हुआ गोपीश्वर महादेव। ये महाराज के दर्शन है, एक गोपी एक कृष्ण जैसे भगवान ने लीला की है। यहाँ ठाकुर जी राधा जी के चरणों के दर्शन है। यहाँ भगवान ने वंशी बजाई है, भगवान की सबसे प्यारी वस्तु बंसी है, आज भी भगवान बंसी बजाते हैं, आज भी भक्तों को भगवान की बंसी सुनाई देती है। सूरदास जी का पद है कि मैया मुई मैं नहीं माखन खाया, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो, चार पहर बंसी बट भटको सांझ पर ही फिरायो। भगवान बोलते हैं चार पहर में बंसी बजती हूँ, चार पहर का मतलब होता है 12 घंटे। आज भी भगवान आते हैं बंसी बजाते हैं, तो भक्त लोग यहाँ पे भगवान को बंसी दे के जाते, बंसी का दान करते, वंश रक्षा वंश वृद्धि कामना पूर्ति के लिए भगवान को बजाने के लिए।
जानते हैं ले आते हैं, यहीं से ले लेते हैं, जो भी श्रद्धा हो 100-200 की, नाम को तो बोल के संकल्प करके कामना की प्रार्थना करके भगवान के चरण है चरणों को बंसी अर्पण करते हैं। ये भगवान की राशा स्थली है बंसी भट्ट। तो आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरे में पेंटिंग का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अंधेरे में काम चल रहा है इस समय पेंटिंग का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। Hare Krishna